बाजार और मंडियों में साल भर अलग अलग मौसम में फल सब्जियां आती हैं। फल सब्जी उत्पादन आजकल बाजार में प्रवेश का जरिया भी बन गया है। इसमें लागत और लगाए गए समय से उत्पादक को 2-3 गुना ज्यादा फायदा होता है। इसके जरिए छोटे किसान अपनी जमीन के फालतू टुकड़े का भी बेहतर उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जी की खेती शुरुआत में अधिक लागत के बावजूद फायदेमंद है, क्योंकि मंडी में लगातार इनकी मांग बनी रहती है। यही कारण है कि किसान के हाथ में लगातार नकद रकम आने के मौके बने रहते हैं, जबकि अलाभकर खेती में लगे किसानों को ऐसे मौके नहीं मिलते। आजकल अधिक मांग और बेहतर दाम वाली एक नई फसल उभर कर आई है। इसे सफेद बटन मशरूम या एगेरिकस बाइस्पोरस नाम से जाना जाता है। पारंपरिक रूप से पहाड़ों पर उगाए जाने वाला सफेद बटन मशरूम आजकल उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में उगाया जाता है। मशरूम उत्पादन का ये विस्तार हर साल सर्दियों के मौसम में होता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से बनाए गए सस्ते व अस्थाई छप्पर मशरूम उत्पादन के विस्तार की पहचान है। नया बांसगांव दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ मशरूम उत्पादक राम सिंह मान का घर है। अपने मशरूम फार्म को वो एक लघु उद्योग की तरह चलाता है। सीजन में उसे दर्जन भर मजदूरों की जरूरत होती है। ये महंगा तो है, पर राम सिंह मान के लिए फायदे का सौदा है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रेट मिले, इसीलिए हम इसके पीछे भागे और ये अच्छी पसंद आए। एक तो इसमें मनी सर्कल सिर्फ 2 महीने का है। आज पैसे इन्वेस्ट करोगे तो 2 महीने में पैसे वापस आने शुरू हो जाते। इससे थोड़ा सा अपने पैर जमा सकता है। अब खाने वाले पहले तो कोई कोई खाता था, अब मोस्ट भी लोग गाँव के डिमांड करते हैं कि यार सब्जी या तो खिला, और ब्याह शादियों में भी हमारे यहाँ से सब्जी जाती है उनके। तो मार्केट आदमी खुद भी बना सकता है, ढूंढ सकता है अपना प्रचार खुद भी। जब ज्यादा लोगों को खिलाओगे खाओगे तो उसकी जानकारी बढ़ेगी, ज्यादा ग्रोअर बढ़ेंगे, ज्यादा उपभोक्ता बढ़ेंगे उसमें। बहुत समय तक मशरूम को जहरीला माना जाता था, जबकि असलियत यह है कि कुछ जंगली मशरूम ही जहरीले होते हैं और ज्यादातर मशरूम खाए जा सकते हैं। इनमें से सफेद बटन मशरूम जैसे कुछ मशरूम बड़े पैमाने पर उगाए भी जाते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि लोग इन्हें स्वास्थ्यवर्धक भी मानते हैं। रेशे वाली सब्जी होने के साथ साथ इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होती है। इस कारण ये डायबिटीज में भी फायदेमंद होता है। मशरूम पौधा नहीं फफूंद है। इस फफूंद का आधार सफेद धागेनुमा माइसीलियम या जड़ों का जाल है। ये जड़ें अक्सर फफूंद के खाद पानी में छिपी रहती हैं। मशरूम का जो जाना पहचाना आकार हमें दिखाई देता है, एक तरह से वो इसी फफूंद का फल है। अन्य फलों की तरह मशरूम का मुख्य काम भी बीज बनाकर फैलाना है। मशरूम के इन नन्हे बीजों को स्पोर कहा जाता है। ये गिल्स हैं, इसके अंदर स्पोर चिपके हुए होते हैं। ये हल्के भूरे से रंग से लेकर गहरे भूरे रंग के होते हैं गिल्स। स्पोर्स चिपके हुए होते हैं, स्पोर हमको दिखाई नहीं देते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सबसे पहले गिल अपने आप खुल जाएगी 18 से 24 घंटे के अंदर। उसके बाद जो गिल के ऊपर स्पोर्स चिपके हुए हैं वो स्पोर्स धीरे धीरे करके नीचे गिर जाएंगे और उसी पैटर्न में नीचे हमको दिखाई देंगे जिस पैटर्न में गिल्स मशरूम के अंदर लगे हुए हैं। सफेद बटन मशरूम के नन्हे बीज हवा में आसानी से बिखर जाते हैं। अगर ये अनुकूल जगह पर गिरें, तो अंकुरित होकर नई जड़ें फैलाते हैं। ये जड़ें
चारों तरफ घना जाल बुनती हैं और कभी कभी एक दूसरे से जुड़ भी जाती हैं। जैसे हर प्लांट्स की रूट्स होती हैं, मशरूम की जड़ें माइसीलियम की शेप में होती हैं, जो कि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं कि ज्यादा अंदर तक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके अब्सॉर्ब कर सके। मशरूम के बीज इतने बारीक होते हैं कि आम किसान इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मशरूम उत्पादन की शुरुआत खेत से दूर एक प्रयोगशाला में होती है। यहाँ गेहूं के बीज को रोगाणु रहित करके उन पर मशरूम के बीज डाल दिए जाते हैं, फिर इन्हें 2 हफ्ते तक अंडों की तरह सेते हैं। इस दौरान गेहूं के बीज से खुराक लेकर मशरूम की जड़ें तैयार हो जाती हैं। इसलिए गेहूं के दाने मशरूम उत्पादक को ऐसे दिए जाते हैं मानो वही मशरूम का बीज हो। मशरूम उत्पादन का पहला चरण उसके उगने के लिए जरूरी कंपोस्ट तैयार करना है। इस कंपोस्ट को चूकर पुआल व रसायन मिलाकर तैयार करते हैं। कंपोस्ट तैयार करने की 2 विधियां हैं। इसका चयन इस बात पर निर्भर करता है कि मशरूम उत्पादन साल भर होगा या एक सीजन के लिए। बड़े पौधों के लिए या हरे पौधों के लिए मिट्टी जो है वो पौधों का भोजन है। मशरूम की खेती के लिए मिट्टी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके लिए जो स्पेशल मिट्टी है उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। राम सिंह मान जैसे छोटे किसान साल में एक बार ही कंपोस्ट बनाते हैं। वे जानते हैं कि अन्य खेती की तरह मशरूम उत्पादन में भी हर चक्र का अपना समय होता है। उत्तर भारत में बारिश के बाद तापमान गिरने के साथ ही कंपोस्ट बनाने का समय आ जाता है। छोटे किसान कंपोस्ट बनाने की सरल विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसमें समय अधिक लगता है। सितंबर के महीने में ताजा तूड़े या पुआल के ढेर को गीला करके उलटना पुलटना इस विधि का पहला काम है। जैसे जैसे ये सड़ने लगता है इसमें रासायनिक और अन्य पदार्थ डाले जाते हैं। 4 हफ्तों में ये मिश्रण तैयार हो जाता है जो सफेद बटन मशरूम के अलावा किसी और चीज को उगने ही नहीं देता। कंपोस्ट में तूड़ा भिगोते हैं शुरू में और तो उसको भिगोने के बाद 3 दिन के बाद उसमें कटाई कर देते हैं। वो कंप्लीट भीग जाना चाहिए पानी में। उसके बाद पर क्वांटिटी उसमें केमिकल खाद डालेंगे। भारत में 90-95% किसान इसी विधि का उपयोग करते हैं और हम कह सकते हैं कि भारत में 85-90% मशरूम इसी विधि से बनाई गई कंपोस्ट द्वारा बिकती है। साल भर मशरूम उत्पादन के लिए बड़े उत्पादक हर 1.5 महीने बाद कंपोस्ट बदलते हैं। इस कम समय में अच्छी पैदावार के लिए महंगे पाश्चरीकृत तरीके से बने कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। पहले सूखा भूसा लेते हैं जी, उसको प्लेटफार्म पे हमने 2.5 फीट ऊंचा कर दिया, उसको फला दिया, फिर उसको भिगोते हैं खूब अच्छी तरह उसको भिगो दिया। 24 घंटे के बाद इसकी फिर स्टैक बना देते हैं। उसमें पानी डालते हैं जिसमें अंदर क्रिया होती है, उससे ये गर्म होता है जो कि मशरूम का गांव की भाषा में बोल सकते हैं खाना तैयार हो रहा है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना। धीरे धीरे ये उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है जिससे कि उसको अब्जॉर्ब करने में, उसको पचाने में इसको आसानी हो। यही फर्मेंटेशन का मतलब है। फर्मेंटेशन के दौरान कंपोस्ट के ढेर का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे अंदर की सामग्री सड़ने गलने लगती है। कंपोस्ट के इस ढेर को हर 2-3 दिन पलटना पड़ता है ताकि यह प्रक्रिया ढेर के चारों तरफ हो सके। ध्यान रहे कि ढेर में ज्यादा पानी न पड़े, अन्यथा सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी।
जैसे खेत में पथुआ हो जाता है, कांटे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, ऐसे इसमें हो जाते हैं जो कि इस मशरूम की पैदावार को कम कर देंगे। यूरिया चोकर डालते हैं और अपना ये डीएपी डालते हैं और पोटास भी डालते हैं वो इस कंपोस्ट को ताकतवर बनाने के लिए। शॉर्ट मेथड का कंपोस्ट हमेशा बढ़िया होता है, लेकिन हमारे पास उसके लिए एक तो ये प्रेशराइज्ड टनल होना ज़रूरी है जो कि गांव में आमतौर आदमी के पास होता नहीं, तो लॉन्ग मेथड से ही बनाते हैं। लॉन्ग मेथड में तो 8-7 टर्निंग हो ही जाती हैं पलटियाँ। कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए, उसका रंग बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाना चाहिए, गाढ़ा रंग काला टाइप हो जाना चाहिए। कंपोस्ट जब बिजाई के लिए तैयार हो जाता है तब इसमें कोई दुर्गंध नहीं होती बल्कि ताजा भूसे जैसी गंध आती है। उस समय इसका रंग गहरा भूरा होता है। ध्यान रखना चाहिए कि तैयार कंपोस्ट न बहुत गीला हो और न ही बहुत सूखा। मशरूम उत्पादन में तरह तरह के काम होते हैं, इसलिए किसान परिवार के अन्य सदस्य बड़ी आसानी से इसमें खप सकते हैं। वेतनभोगी मजदूरों के साथ साथ वे इस समय स्पॉनिंग या बिजाई में लगे हैं, जो कि तैयार किए गए कंपोस्ट से की जाती है। तैयार किया गया कंपोस्ट शेल्फ पर बिछाया गया है। ये शेल्फ मशरूम उत्पादन के लिए बनाए गए अस्थाई छप्पर में है। बीच में बीज डाला, ऊपर बीज डाला, वो मिला दिया तो नीचे से ऊपर तक पूरा बीज सब मिल जाएगा अच्छी तरह 10-12 दिन। उस टाइम पर इसके ऊपर सफेद सफेद हो जाएगा बिल्कुल। 4 सितंबर के दूसरे वीक में शुरू करते हैं और अक्टूबर के लास्ट तक जो है ना हमारी बिजाई चलती है। इसमें छोटे बड़े सभी बच्चे भी पूरा परिवार मिलकर इस काम को करता है। बीज व कंपोस्ट के बढ़िया सम्मिश्रण से मशरूम की जड़ों को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। बढ़िया बिजाई के लिए मिलाए गए कंपोस्ट को अच्छी तरह दबाकर अखबार से ढक दिया जाता है। फिर पानी से छिड़काव के बाद छप्पर को चारों तरफ से बंद करके अंधेरा कर देते हैं, जिससे पर्याप्त नमी बनी रहे। ऐसे माहौल में मशरूम के बीज उगने लगते हैं और 2 हफ्तों में सफेद धागेनुमा जड़ों के जाल कंपोस्ट में फैल जाते हैं। मशरूम उत्पादन के घटना चक्र का अगला कदम है फल देना। अब इन जड़ों के जाल को फैलने से रोकना जरूरी है। इसके लिए कंपोस्ट के ऊपर 1.5-2 इंच तक पोषण रहित केसिंग मिट्टी को बिछा दिया जाता है। इससे जड़नुमा माइसीलियम का विकास तुरंत रुक जाता है और सफेद बटन मशरूम के फलने का समय आ जाता है। केसिंग मिट्टी बुरादे की तरह बिल्कुल बारीक होती है। कि मशरूम का पानी जो कंपोस्ट में माइसीलियम फैला हुआ है उसका पानी ना उड़े। जो भी पानी को हवा में उड़ेगा वो सिर्फ केसिंग से ही उड़ेगा। कंपोस्ट का पानी बिल्कुल अनइंटरप्टेड रहेगा। केसिंग का दूसरा फायदा है, इसको प्रोटेक्टिव कवर देती है, जिससे कि हवा के तेज करंट्स, आंधी, तेज तापमान और तेज पानी की बौछार भी माइसीलियम को प्रभावित ना कर सके। अभी भी 2 बार करते हैं इसको? इस तीसर के भर दिया ही है। नहीं, इसको 2 बार लगाते हो, इसको दोबारा भर दोगे कंपोस्ट के? नहीं, अब नहीं भरेंगे, 2 बार भर लियो। 2 बार भर लियो ना, फेंक देंगे। पुराने कंपोस्ट में पोषक तत्व न के बराबर होते हैं। कई किसान पुराने कंपोस्ट को केसिंग मिट्टी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। 1 साल पुराने कंपोस्ट को गर्मी की तेज धूप में रखने से वो अनुर्वर हो जाता है। ये केसिंग मिट्टी बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। 60% तो स्पेंट कंपोस्ट डालते हैं हम और 30% इसमें कऊ डंग हो गया 1 साल पुराना और 30% क्वायर पिट डाल देते हैं, नारियल का बुरादा जिसको बोलते हैं वो हो जाए, या जो चावल की भूसी जो बालों से जली हुई निकलती है बुरादे की जगह वो अगर नजदीक हमें सस्ती पड़ती वो डाल सकते हैं। केसिंग में उसको ट्रीटमेंट देते हैं गोबर के खाद को, उसको खोल के कटाई करके उसमें 10-15 लीटर पानी में मिला के
फेरमा लीने होती है दवाई, उसको गढ़े से करके अलग अलग इसमें कंपोस्ट में और ऊपर से इसको प्लास्टिक से ढक देते हैं। 3-4 दिन तक वो स्मेल जो अगर कोई कीड़ा गोबर का होता है तो वो मार देती है। केसिंग मिट्टी डालने के बाद ये जरूरी है कि तापमान और नमी दोनों नियंत्रित रहें। नमी को ऊंचा बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है और तापमान को 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। 5 दिन बाद तापमान को कम कर दिया जाता है जब तक कि नन्हा मशरूम दिखाई ना दे। जो मशरूम है वो कंपोस्ट से भोजन लेता है और पानी के थ्रू लेता है। हमारा मेन एम है कि जो पानी को उड़ना है, एटमॉस्फेयर में उड़ना है, वो मशरूम से होकर उड़े। अगर बाहर बिल्कुल सूखा है तो डायरेक्ट ऊपर ही पानी उड़ता रहेगा, मशरूम के लिए पानी हमेशा शॉर्ट रहेगा। नन्हे मशरूम तब तैयार होते हैं जब उनकी जड़ें केसिंग मिट्टी तक पहुंचती हैं। अच्छे मशरूम तभी उगते हैं जब वे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले पाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर छप्पर में ताज़ा हवा आती रहे। ताज़ा हवा के आवागमन से तापमान पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। गेट लगा हुआ होता है तो शाम के टाइम इसके अंदर के वातावरण को ठीक करने के लिए इसको हवा देनी चाहिए, गेट हटा देना चाहिए। ये सूरज की रोशनी में या खुली हवा में ये रंग भी खराब होगा, इसका रंग से लाल हो जाएगी और सूख जाएगी, मतलब उगेगी नहीं। इसलिए इसको छप्पर में या मकान में इस तरह से हम रखा जाता है ताकि वो सूरज की धूप से बचाया जाए और सीधी हवा से। अच्छा वेंटिलेशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो लाखों करोड़ों और बल्कि अरबों की संख्या में माइसीलियम के थ्रेड्स हैं जो कि रेस्पायर कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है और बहुत ही ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। अगर उनका उचित निष्कासन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो मशरूम की ग्रोथ पर जरूर फर्क पड़ेगा। जब तक केसिंग मिट्टी के ऊपर मशरूम के अंकुर या पिन दिखाई ना दे तब तक हवा के आवागमन को नियंत्रित रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में अंकुरों के आने का फसल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। छप्पर के अंदर नमी बनाए रखने के लिए इन दिनों कम से कम एक बार पानी जरूर डालना चाहिए। अगर नमी कम हो तो मशरूम आसानी से अंकुरित नहीं होते। बिजाई के 2.5 या 3 हफ्ते बाद मशरूम की पहली फसल दिखाई देने लगती है। जब केसिंग मिट्टी पर नन्हे मशरूम सुंदर सफेद छतरियों की तरह दिखाई देने लगते हैं तो उत्पादन प्रक्रिया का अगला चरण सामने आ जाता है। सफेद बटन मशरूम की फसल साल में कई बार होती है और इसको विशेषज्ञ फ्लश कहते हैं। हर फसल के बाद कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मशरूम तोड़ने लायक नहीं रहते। सीजन में ये क्रम लगातार चलते रहता है लेकिन हर फ्लश के बाद उत्पादन कम होता जाता है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ज्यादातर मशरूम निकल जाती है, 50% मशरूम निकल जाती है। तो टेम्परेचर होता है हमारे कमरों का ज्यादा 17 डिग्री होगा, 15-17 डिग्री के आसपास कमरे में मिलता है तो मशरूम बहुत निकलती है, बढ़िया निकलती है। कमरे की हवा का टेम्परेचर और कंपोस्ट के टेम्परेचर में 2 डिग्री का फर्क होगा। कमरे की हवा का टेम्परेचर 16 है तो कंपोस्ट का 18 होगा। हर फ्लश में तैयार मशरूम तोड़ने के बाद ही अगले फ्लश को उगने का रास्ता मिलता है। इसकी छतरी के नीचे वाले पर्दे या वेल के फटने से पहले ही मशरूम तोड़ लेने चाहिए, नहीं तो उनका बाजार भाव कम हो जाता है। राम सिंह मान के फार्म में सफेद बटन मशरूम की फसल को इस समय तैयार किया जा रहा है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के घोल से पहले इन्हें धोया जाता है। वैसे तो सफेद बटन मशरूम को कई दिनों बाद भी खाया जा सकता है लेकिन तोड़ने के बाद
24 से 48 घंटों के भीतर ये देखने में सुंदर और खाने में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। बिक्री तक बचाए रखने के लिए इन्हें छेद वाली थैलियों में रखा जाता है ताकि ये मुरझा ना जाए। ताजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम अब बिक्री के लिए तैयार हैं। लीलेंसी तो चलेगी नहीं, अभी आज के बजाय कल तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये किसान को रोजाना तोड़ने वाली फसल है। अच्छा, जितना सवेरे तोड़ के मंडी भेज दोगे उतने अच्छे दाम आपको मिलेंगे। जैसे माल पहुंचाते हैं तो सवेरे बसों की जो है आने जाने वाले लोग कम होते हैं और मंडी में माल पहुंचाने की सुविधा अच्छी होती है और वहाँ खरीददार भी सुबह ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम थोड़ा रात को या सवेरे वक्त से उठ के मंडी माल पहुँचाते हैं ताकि हमें दाम भी ठीक मिलते हैं और हमारा ताजी माल जाता है। नया बांसगांव दिल्ली के शहरी मशरूम उपभोक्ताओं से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ सन 1999-2000 के सीजन में मशरूम उत्पादन की लागत 25 रुपए प्रति किलो से कम रही, दूसरी तरफ उसकी बिक्री दर 40 से 80 रुपए प्रति किलो तक गई। ये छोटे किसानों के लिए भी मुनाफे का धंधा है। जैसा कि हम देखते हैं, किसान के लिए उत्पादन और मुनाफा कई बातों पर निर्भर करता है। उनमें से पहली बात है सही समय पर उपजाऊ कंपोस्ट तैयार करना। बिजाई के बाद जब कंपोस्ट में मशरूम की जड़ें फैल जाती हैं तो उन पर केसिंग मिट्टी डालना दूसरा महत्वपूर्ण काम है। आखिर में मशरूम उत्पादन के लिए छप्पर में उचित वातावरण तैयार करना जरूरी है। कम से कम किसान थोड़े से थोड़े खर्चे में ही इस फसल को, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई कि झोपड़ी नुमा गोल में झोपड़ी की स्केल में किसी प्रकार से हवा को और धूप से कवर कर ले और उसमें अपने इसको बो सकता है। किसान के लिए तो सबसे बड़ी आज छप्पर लगाए, कम से कम छप्पर तो उसका जा तो उसका कच्चा माल किसान के पास अपना होता है, उसकी मेहनत लगेगी छप्पर में लगाए तो उसका खर्चा नहीं हुआ और नेचर ही इसको ठंड करेगी तो उसको ज़्यादा उसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी मशरूम बहुत बढ़िया निकलती है। राम सिंह मान आज तक लगातार अपनी जमीन का उपयोग कर रहा है। अलाभकर खेती के कारण दूसरे किसानों पर आए जमीन बेचने की नौबत से वो आज तक बचा हुआ है। उसके लिए सफेद बटन मशरूम का उत्पादन घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है।